अपने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के बावल विधानसभा प्रत्याशी डॉ. कृष्ण कुमार गांव गोलिया की पहुंचे। उनका डीजे व ट्रैक्टरों के काफिले से आगमन स्वागत किया गया। मंच पर उनका फूल मालाओं से व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। डॉ. कृष्ण के साथ पधारे जिला प्रमुख मनोज यादव व भाजपा नेता डॉ. संजय मेहरा का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। महिलाओं ने भाजपा नेत्री नीतू चौधरी का भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है व प्रदेश में भी उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी जी का डंका बज रहा है। कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति करती है व भाजपा जनसेवा करती है। डॉ. कृष्ण कुमार ने जनता को रेवाड़ी जिले में होने वाली रैलियों का निमंत्रण दिया। वह बावल विधानसभा से उम्मीदवार बनाने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी आभार जताया। आप देख रहे हैं खबरें आज तक। कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। एक अपील करने का था क्योंकि समय कम है, पहले हम दो घंटा लेट है। अब सभी लोग आने वाले 5 अक्टूबर को जब विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकतंत्र का पर्व होगा, तो सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, देखो मैंने अपना जनसंपर्क अभियान काफ़ी तेज किया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे खुद मौजूद हैं। पूरे गोलिया के गांव के लोगों ने ट्रैक्टर से, ढोल नगाड़ों से, फूल मालाओं से और मुझे पगड़ी पहना कर जैसे सम्मानित किया है और सभी लोगों ने मुझे विजयश्री बनाने का वादा किया है, तो इससे आप खुद ही दे सकते हैं, लोगों में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी हरियाणा में बनेगी। सब एक आपका परिवार और बड़ा है जो कि जेजेपी पार्टी का फार्म खींचने के बाद आपकी पार्टी में ज्वाइन की रामेश्वर दयाल जी ने, उनके लेकर क्या? नहीं, बीजेपी का परिवार पहले से ही बड़ा हुआ है, तो बीजेपी की जो कहते हैं नीतियाँ और नीति बड़ी साफ है, तो लोग बीजेपी आने में तो उनका जेजेपी का इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी की उनको नीतियाँ अच्छी लगी, उनको सिद्धांत अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, अपने लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी भाई प्रधानमंत्री रहे। तीसरी बार भी कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए थे भाई ये हो गए तो उसकी सरकार है, पोर्टल की सरकार है। फिर भी देश हित में और देश की रक्षा के लिए सारी जनता ने अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को उनको चुना है और भारतीय जनता की पार्टी केंद्र में भी है और हरियाणा में भी आएगी। 22 तारीख को 4 रैलियाँ उनकी कुंड में है, भाड़ावास में, नंदरामपुर बास में और बावल में। उसके लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी लोग आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में जाएं और अपने कदावर नेता के जरूर विचार सुने और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं।